इतना पानी निकल रहा है इसके अंदर से। आके भाई भाई पाइप बहुत ठंडा यार, और अरे गिरी गिरी। ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी, ये देखो मजे से जा रहे हैं तो। हाँ नहीं हुआ नहीं हुआ। अरे भाई ये तो कितनी दूर तक है देख रहे हो, मतलब क्या ही रोड है यार। ऐसे ऐसे कब तक पहुंचेंगे यार। उधर से चलते हैं, उधर से कम पानी है। आ जाओ भाई, जिसने अभी स्पीति वैली नहीं किया ना, ये देख लो ये सब होता है इधर। इब्राहिम संभल के आना, बहुत स्लिप करेगा। कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, लग रहा है रास्ता तो नहीं भटक गया। रुको रुको रुको, तो फाइनली चंद्रताल लेक भी हमारे बकेट लिस्ट में था और वो चेक्ड कर दिया हमने। काफी ज्यादा मजा आया यार चंद्रताल लेक को देख के। ब्लू ब्लू जो वाटर हम ढूंढ रहे थे ना स्पीति की ट्रिप में, इतने दुख दर्द सहने के बाद फाइनली इनाम मिल ही गया है। देर सवेर मेहनत रंग ही लाती है। आई एम सो हैप्पी टू विजिट दिस प्लेस। वहाँ बैठ के जो मैंने फील लिया ना वो प्राइसलेस था। वो मतलब मैं कुछ भी कर लूँ वो नहीं आ सकता जो यहाँ बैठ के आया था। मैंने अपने ड्रीम्स अपने गोल्स के बारे में सोच रहा था बैठ के, मतलब तकरीबन आधे घंटे बैठा मैं और पानी को देखता रहा, और पानी इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है ना एकदम यार। अब हमारी जो राइड हो रही है, जा रहे हैं हम यहाँ से मनाली की तरफ, और मनाली आने से पहले भी कुछ चीजें आएंगी जैसे बातल ग्राम्फू, और उससे पहले भी हमें उस वाले मोड़ पे जाना पड़ेगा जहाँ से हम 25 किलोमीटर चंद्रताल लेक को देखने के लिए मुड़े थे, और उससे भी पहले आएगा वो वाटर क्रॉसिंग जहाँ पे हमारे जूते गीले हो गए थे। और ऐसा ना कि यार इधर तो अभी धूप तो है लेकिन पहाड़ों में यार बारिश वारिश कभी भी आ सकती है, तो इसलिए फटाफट निकल रहे हैं। और आप लोग भी कभी आना ना तो दिन दिन में निपटा लेना इसको, और क्योंकि रात वात का कोई सीन मत रखना, रात वात में बहुत ज्यादा खतरनाक है ये रोड, रात में तो बिल्कुल मत आना आप। और यहाँ 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 देख लो, देख रहे हो, देख रहे हो कैसा है रोड यहाँ, और मुझे राइट लेना है। ओहो हो हो, पीछे मेरे गाड़ी है उसने रोक लिया कि भाई मैं निकल जाऊं, थैंक यू गाड़ी वाले। अभी नीचे कैंपिंग से हम गुजरेंगे, उसके बाद रिवर क्रॉसिंग आएगी, फिर आगे की कहानी आगे बताता हूं यार, ठीक है। आराम से आराम से। चल 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 चल, फिर से आ गए जी रिवर क्रॉसिंग। अब फिर से पैर गीले हो जाएंगे, जय माता रानी की। चल चल आराम से आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गीला हो रहा कोई बात नहीं, चल 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 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, निकलेगी निकलेगी। हाँ हाँ निकल गई निकल गई निकल गई। पानी का अच्छा इतना नहीं था। अरे बाबा रे, चलो भाई दोबारा में थोड़ा सा बचाए, मजा ना नदी आ रहा है क्या। हाँ धोआ धोआ, ये देखो जी ये सब भीग गया जी, कोई बात नहीं। ये देखो जी इतना पानी निकल रहा है इसके अंदर से, देख रहे हो। गीला हो गया सब। इसको हमने ऐसे कर लिया, देख लो इसको हम ऐसे ही पहन लेंगे, तो इसमें जब पानी नहीं होगा ना थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। और थोड़ी देर में चलते चलते ना जूते तो अभी तुरंत ही सूख जाएंगे, सॉक्स को सूखने में टाइम लगेगा। अब जाते समय गीले हुए थे तो हमने इतनी देर में सूख गया था, लेकिन अभी फिर से गीला हो गया, अब इसमें भी हम वैसे करेंगे। इब्राहिम भाई गए अपना भाई रील बनाने, मैं जाऊंगा मेरे फिर से गीले हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो फाइनली कुंजुम पास खत्म हो चुका है और हम पहुंच चुके हैं बातल। बातल में चाची चाचा का ढाबा है, इसी नाम से वो फेमस है यार, चाची चाचा का ढाबा। तो आप भी यही नाम नोट कर लेना जब भी आना कि भाई बातल में मिलेगा चाची चाचा का ढाबा, यहाँ पे आप खाना वगैरह खा सकते हो, चाची चाचा का ढाबा है। और अभी टाइम हो गया है 5, तो हम यहाँ बातल में नहीं रुक रहे हैं, जा रहे हैं मनाली 96 किलोमीटर। और जैसा कि इब्राहिम बता रहा था कि 50 किलोमीटर खराब रास्ता है उसके बाद अच्छी रोड है, तो पता नहीं उसकी बात सही है कि नहीं है, कि मुझे नहीं पता ना कि सही क्या है। देखते हैं जहाँ सूरज ढल जाएगा वहीं अपनी गाड़ी बंद कर देंगे भाई। और अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक तो हमारा रोहतांग पास होकर जाने का, और जिसमें कि 50 किलोमीटर फालतू मुझे घूमना पड़ेगा, और दूसरा ये ऑप्शन ये है कि हम अटल टर्नल होते हुए चले जाएं, जिससे 50 किलोमीटर का चक्कर बच जाएगा उस टर्नल को यूज करने से। फिर से एक रिवर क्रॉसिंग आ गई भाई, वहां से बह रही है, वहां से आते हुए ये देखो ये जूते फिर से भिगोने पड़ेंगे भाई।
आके भाई 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 बहुत ठंडा यार। अरे अरे गिरी गिरी। नहीं 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है राहुल, आराम से धीरे 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 चल चल चल। अरे अरे भाई पानी इतना ठंडा है ना। हो अरे भाई बहुत ठंडा है। अरे अरे कितनी देर तक है क्रॉसिंग है? ये तो पूरे रोड पे ही भाई बिछी हुई है पानी पानी। चश्मे से और नहीं दिख रहा था, मैंने धूप वाला चश्मा लगा रखा था तो उससे और नहीं दिख रहा था, उससे काला काला लग रहा था, मुझे लगा रात हो गई। हाँ अभी तो उजाला है। हाँ गिरना नहीं गिरना नहीं। हाँ हाँ आराम से आराम से आराम से। ठंडे पानी में पूरा जूता गीला है मेरा, घुटने तक पूरी पैंट गीली है। ऐसा लग रहा है कि पैरों को यार हमने कहाँ रख दिया है, फ्रिज में रख दिया है ऐसा लग रहा है। अब थोड़ी जान में जान आई है कि भाई थोड़ा सा उम्मीद है कि हम रात होने से पहले पहुंच सकते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रात तो हो ही जाएगी पहुंचने में। पहाड़ों में भी अच्छी रोड होती तो भी 2 घंटे लगते, इतने भी तेज हम भगाते तो यहाँ देखो 4-5 घंटे तो लगेगा, मेरे को ऐसा लगता है, बस बारिश बारिश ना हो। इसी तरह की कुछ बातें सोचते सोचते मैं इस रास्ते पर लगातार आगे चलता रहा, लेकिन मुझे नहीं पता था ये शुरुआती का रास्ता इतना लंबा होने वाला है और दोपहर से रात होने वाली है, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लगातार अपने मन में अपने आप से मैं बातें कर रहा था और रास्ते की तरफ बढ़ रहा था। और मेरे बगल में जो ये नदी बह रही ना स्पीति, ये भाई अभी तक तो मैं ताबो नाको और काजा तक इसको पागल समझ रहा था कि यार क्या है इसमें पानी वानी है नहीं। अभी जो तेजी के साथ बह रही है ना ये मनाली की तरफ, बहुत तेजी के साथ बह रही है भाई, लग रहा है हमसे पहले मनाली यही पहुंच जाएगी। वीडियो रिकॉर्ड करते समय मैं आपसे बातें कर लेता था, लेकिन जब मैं कैमरा बंद कर देता था और बाइक चलाते रहता था तब मेरे मन में सिर्फ 2 ही सवाल आते थे, अगर मेरी बाइक कहीं खराब हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि रास्ते इतने ज्यादा खराब थे ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि ऐसे रास्तों पर कोई बाइक या कार मुझे दिख रही थी। सिर्फ मैं और इब्राहिम चले जा रहे थे। लगभग हमें 1 से 1.5 घंटा हो गया था, ना हमें कोई बाइक मिली थी ना कोई कार मिली थी, बस मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। लेकिन फिर एक बार एक चीज और आ रही थी कि जो होगा देखा जाएगा, अब तो यहाँ से जाना है और किसी भी तरह इस रास्ते को पार करके हमें मनाली तक पहुँचना है। फिर से क्रॉसिंग आ गई और यहाँ पे रोड तो इतनी ज्यादा पतली है ना, अभी दूसरी गाड़ी आ जाएगी तो मेरे को तो रुकना ही पड़ जाएगा। शुक्र करो पुल बन गया है, नहीं तो इसको भी गाड़ी से ही क्रॉस करना पड़ता। जो अभी वाटरफॉल हो रहा था ना, प्रेशर बहुत ज्यादा तेज था, पुल नहीं बना होता ना काफी मुश्किल होती है क्रॉस करने में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना ग्रामफू की तरफ, वैसे वैसे रिवर क्रॉसिंग ही आ रही है। हम सोच रहे हैं पैर सूख जाए यार, थोड़ी सी धूप है अभी, लेकिन रिवर क्रॉसिंग बार बार आ रही है भाई, और पैर गीला हो जा रहा है। कोई बात नहीं, ये दिन भी बदलेंगे, अच्छे दिन आ जाएंगे हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। और एक चीज यार आपसे डिस्कस करना चाहता था मैं, अभी ना मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। नंबर 1 ये रोड कितनी दूर तक खराब है, नंबर 2 की जो टेंशन है हमारी धीरे धीरे रात होने वाली है, नंबर 3 की ये टेंशन है अगर रात हो गई तो कैसे गाड़ी चलेगी, नंबर 4 ये टेंशन है बीच में कुछ हो गया गड़बड़ तब क्या होगा। ऐसी गाड़ी लेनी पड़ेगी, ये देखो मजे से जा रहे हैं तो लेंगे ये वाली भी लेंगे यार, इससे अच्छी लेंगे। ये सारी चीजें यार मेरे दिमाग में ना रेंडमली ऐसे चल रही हैं, और मेरे दिमाग में अभी कुछ चल नहीं रहा है, और मैं सोच रहा हूँ जल्दी से जल्दी अंधेरा होने से पहले मैं किसी ऐसी जगह पहुंच जाऊं, रहने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, और डेटा ट्रांसफर कर रही हूँ, थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी हो, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। चाचा चाची के ढाबे पे हम नहीं रुके थे, रीजन कि हमें और आगे जाना था, और हम सोच रहे थे अभी दिन है यार पहुंच जाएंगे, लेकिन जिस हिसाब से अभी चल रहे हैं ना, मैं एकदम 20 की स्पीड में भी नहीं चल रहा हूँ, 15 की स्पीड में चल रहा हूँ। तो ये सारी चीजें दिमाग में चल रही है, देखो क्या होता है आगे, जैसी प्रभु की माया। अच्छा रोड आ जाए तो कोई टेंशन नहीं होगी, मैं रात में भी थोड़ा सा चला लूंगा यार, ऐसा नहीं कि मैं रात में चला नहीं पाता, मैं रात में पहाड़ों में भी चला लूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छा रोड आ जाए ना तो थोड़ी टेंशन नहीं रहेगी। इसमें यार धीरे 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 चल रहे हैं, अगर तब तक नहीं आएगा तो आज इसमें भी चलाना ही पड़ेगा, रात हो गई तो जो नेचर चाहेगा वही होगा। एक और रिवर क्रॉसिंग आ गई है, चल भाई क्यों रुक गया, निकल जा भाई। चलो पहले हम ही निकल जाते हैं।
हाँ नहीं हुआ नहीं हुआ। अरे भाई ये तो कितनी दूर तक है, मेरे को लगा बहुत थोड़ी सी है। अरे भाई हो लग रहा है गीला हो ही जाएगा फिर से। चलो कोई बात नहीं भाई। कितने रिवर क्रॉसिंग आएंगी भाई अभी, वैसे तो रास्ता सही नहीं है। हालांकि फिर रिवर क्रॉसिंग हो फिर से जूता गीला हो गया यार। कुंजुम पास से लेकर ग्रामफू तक मेरे को ऐसा लगता है ऐसे दर्द वाला ही रोड है। दर्द बेच रहा है ये कि आपने इतने अच्छे अच्छे नजारे देखे हैं ना, वसूल रहा है। इतने अच्छे नजारे फ्री में नहीं दिखाऊंगा, पहले यहाँ दर्द ले लो तुम थोड़ा सा। ये कह रहा है रोड हमसे चीख चीख के। सही में यार बहुत दर्द हो रहा है। हाँ लेकिन मैंने भी ठाना है, चलते रहना। दर्द होता है होने दो, कोई बात नहीं। दर्द अभी हो रहा है ना, कल ठीक हो जाएगा, रात को ठीक हो जाएगा। इन रास्तों से अगर अभी नहीं गुजरे ना दर्द और बढ़ जाएगा। ठंड बहुत ज्यादा तेज लग रही है भाई। कार आ गई, अभी कैसे क्रॉस होंगे। हो जाएंगे धीरे धीरे। हाँ ठंड बहुत तेज लग रही मुझे अभी। देखो सूरज ढला नहीं है, जब नहीं बर्दाश्त होगा तो थर्मल निकालूंगा। थर्मल के लिए पूरा बैग खोलना पड़ेगा जो मैंने बांध रखा है बंजी कॉर्ड से। ठंडी लग रही है रे, इतना ठंडी क्यों लगता है बाबा। अरे बड़ा पत्थर आ गया रे। रुको। एक तो उछल उछल के ना ऐसा दर्द हो रहा है ना। लग रहा भाई ये रोड पूरा वसूलेगा भाई, हर नजारे का एक एक कतरा वसूल लेगा लग रहा है मेरे को ऐसा। कहाँ पहुँच गए, छोटा क्या लिखा है, छोटा दारा विलेज। अबे दर्रा तो नहीं आ जाएगा। छतरू 17 किलोमीटर, ग्रामफू 34 किलोमीटर और जाएंगे मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छे रोड आ जाएंगे भाई। मनाली 100 किलोमीटर बता रहा है। कोकसर 39, मतलब भाई इब्राहिम भाई ने झूठ बोला, वो तो भाई बादल से 96 बोल रहे थे और यहाँ से हम इतनी दूर आ गए तो तकरीबन 15 किलोमीटर, अब जाके 100 किलोमीटर भाई। इन रास्तों को मैं जितना मुश्किल समझ रहा था आगे बढ़ते बढ़ते ये उससे भी ज्यादा मुश्किल होते जा रहे थे। लेकिन कुंजू पास से मनाली जाने के लिए बस एक ही रास्ता था जिसके जरिए हम मनाली पहुंच सकते थे। अगर आप इस रोड पे पहली बार जा रहे हैं तो मैं आपसे बस एक ही चीज कहूंगा, कई पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा कि मैं अब आगे नहीं जा पाऊंगा, या बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है शरीर में, या बहुत बड़ी बड़ी वाटर क्रॉसिंग आएंगी, लेकिन आप वहां पे बस हिम्मत मत हारना, बस आगे चलते रहना, क्योंकि आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा खतरनाक है। देख रहे हो मतलब क्या ही रोड है यार, क्या रोड है भाई। और पानी इतना तेज बह रहा है ना, पूछो मत। चालान भी है, खराब भी है। इनोवा वाले भाई साहब रुके हुए पीछे, भाई साहब फोटोग्राफी कर रहे हैं। उनकी भाई 4x4 है, उनको तो मजा आ रहा होगा। देख रहे हो गिरने से बच गया भाई, पैर रख दिया मैंने, बच गया मैं। अरे रे रे रे, ओहो जय माता दी। जल्दी जल्दी अच्छी रोड आ जाए भाई, अच्छी रोड आएगी, जल्दी जल्दी आएगी, अच्छा रोड जल्दी आएगा, हम भी बाइक स्मूथ चलाएगा। यहाँ पे मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा था कि अच्छी रोड आ जा, बल्कि मैं ये अपने दिमाग को बहलाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे सामने दो सिचुएशन थी। इस बैड रोड को पार करके मनाली पहुंचना था रात होने से पहले, और जितना भी मैंने अभी बाइक चलाई थी इन बैड रोड्स पे लगभग 30 से 35 किलोमीटर, उसके कारण मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आगे मेरी हालत ख़राब ना हो जाए, या फिर बाइक में अगर कुछ हो गया तो यहाँ पे मैं कैसे हेल्प लूँगा। इब्राहिम था मेरे साथ लेकिन ना उसके पास कोई टूल है, ना वो मैकेनिक है, तो ये दो डर मेरे दिमाग में हावी ना हो इस वजह से मैं अपने दिमाग को बहलाने की कोशिश कर रहा था ये सारी चीजें बोल के। हट जा भाई, मेरे को जाने दे, तू धीरे धीरे चलेगा, मैं तेज चलेगा 540 की स्पीड में, ठीक है। ऐसी रोड पे आ जाए तो भी अच्छा है यार, समझ रहे हो। अब तो मैं ऐसी रोड को भी अच्छा बोल रहा हूँ, समझ रहे हो। कम से कम 25 की स्पीड तो आ रही मेरी। भाई गिरने वाला था अभी तो, कोई बात नहीं, जूता भीगने दो, गाड़ी नहीं गिरनी चाहिए। हाँ क्या रोड है भाई, पागल हो जाऊंगा मैं ऐसे तो लग रहा है। ऐसी भी रोड होती है, इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए, सबसे खराब रोड इन द वर्ल्ड है। अभी हमने पोस्ट ऑफिस देखा था ना, हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड, इसको
भी अवार्ड मिलना चाहिए भाई, मोस्ट बैड रोड इन द वर्ल्ड है। ये देखो भाई क्या है ये, क्या कहानी है ये, ऐसे ऐसे कब तक पहुंचेंगे यार। 50 किलोमीटर का खराब रास्ता बताया सब लोगों ने, अभी तो मैं 20 किलोमीटर आया हूँ बस। हाँ, तो 30 किलोमीटर और है, इनसे पूछते हैं कितनी दूर है अभी, अभी कितनी दूर है खराब यार। अभी तो 20 किलोमीटर, आराम से 40 किलोमीटर से ऊपर। 40 किलोमीटर, 20 तो मैं आ गया, वहां बोले 50 किलोमीटर खराब है। कितने पे चले आप अच्छी रोड से? अच्छी रोड से सवा चार करीब। नहीं नहीं, बैड रोड पे हम 4:30 पे शिफ्ट हो गए थे। 4:30 पे भाई, अभी कितना बज रहा है? अभी जो अगले 5 किलोमीटर है ना, वो बहुत ही बेकार है, थोड़ा बहुत ही। उसके बाद थोड़ा सही होगा? उसके बाद मतलब रोड ऐसी है, पर फिर भी मतलब चलाने लायक है। अच्छा अच्छा, 5 किलोमीटर है, बड़े बड़े पत्थर है। ये वाला तो बिल्कुल सही है रोड, आगे आएगा ना, बड़े बड़े पत्थर है, बाइक बहुत ज्यादा स्लिप कर, ये भी स्लिप कर रही है। अच्छा अच्छा, उसमें आराम से चला। चलो 8-9 तो बज ही जाएगा अच्छी रोड पकड़ने में मुझे। 9 के ऊपर हो जाएगा, सूरज ढल जाएगा तब तक तो। 20 किलोमीटर और है यहाँ से। हाँ 20 किलोमीटर है यहाँ से, क्या बोलते हैं बातल, वहाँ स्टे कर सकते हो आप रात को। अच्छा, नहीं तो फिर लोसर तक गंदा रोड है, इससे तो अच्छा है कुंजुम पास, लोसर वो नीचे और उतरोगे वो खराब है, वो लोसर में आपको अच्छी रोड मिलेगी, और चंद्रताल जाओगे वो और खराब है। ये वाला लेकिन ज्यादा खराब है, ये जो पैसे बातल तक ये बहुत खराब है, इससे अच्छा कुंजुम पास वाला है। घंटे में तो हो जाएगा, अब देख लो चलाने के ऊपर है। मैं तो कब से निकला था, हम निकले थे 5 बजे, 1 घंटा 40 मिनट हो गया, 20 किलोमीटर आए। चलो जी ठीक है, ओके। देख रहे भाई, भाई अभी बोल रहे 40 किलोमीटर और डरा दिया भाई ने तो, अभी तो 30 किलोमीटर के हम धोखे में थे, भाई कह रहे हैं 40 किलोमीटर, अब क्या होगा राहुल पांडे। कोई बात नहीं यार, जो होगा देखा जाएगा। फिर से रिवर क्रॉसिंग हो गई गुरु, ये तो तगड़ी वाली लग रही है। किस साइड से जाएं? हैं, उतर के देखें क्या पहले? चलते हैं धीरे धीरे, पार तो हो ही जाएगी। उधर से चलते हैं, उधर से कम पानी है, इधर से कम पानी है। यहाँ पे पानी का प्रेशर तो ज्यादा है लेकिन पानी कम है, तो निकल तो जानी चाहिए। नहीं यहाँ तो प्रेशर ज्यादा है यार, फंस ना जाऊं मैं, कहाँ से जाऊं समझ में नहीं आ रहा है। इधर से देखने में तो वहां थोड़ा सही लग रहा है कि वहीं से निकलना चाहिए, फिर से इधर घुमा लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ अब पत्थर साफ साफ नजर आ रहे हैं कि ज्यादा गहरा नहीं है, मैं पहले वापस पीछे जाता हूँ। सही से रिवर क्रॉसिंग करने के लिए ना सही दिमाग लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। और यहाँ से जब मैं देख रहा हूँ ना तो मुझे गहराई का अंदाजा नहीं लग रहा है कहाँ गहरा है, लेकिन यहाँ साइड से चलते हैं, यहाँ से निकल जाएगी। जय माता दी, जूते फिर से भीग जाएं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जय जय जय, निकल जाएगी, निकल 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 गई जी। रिवर क्रॉसिंग भैया, अब तो पूरे रोड पे ही पानी बह रहा है, मतलब बड़े बड़े पत्थर और उसपे ये पानी का प्रेशर। आ जाओ भाई, जिसने अभी स्पीति वैली नहीं किया ना, ये देख लो ये सब होता है इधर। 80% ट्रिप तुम्हारी एकदम मजे में गुजरेगी, 20% तुम्हारा 80% का सारा मसाला निकाल लेगी, समझ रहे हो। और उसके बाद अरे रे रे, चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, चढ़ जा, शाइन शाइन, कमॉन शाइन, कमॉन 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 कम ऑन, चढ़ गई जी। तो अभी का जो हमारा अपडेट है, अभी टाइम हो गया है 7:15 और अभी भी अच्छी रोड नहीं आई है। तकरीबन 2.5 घंटे से हम इस खराब रोड पे चल रहे हैं, और जो आप मेरे सामने अभी रोड देख रहे हो ना, ये तो काफी बेटर है, पहले वाली रोड जो आपने देखी है उससे लाख गुना ज्यादा बेटर है। इस पे तो मैं 20-25 पे गाड़ी चला रहा हूँ, वहां तो 10-15 पे चल रही थी गाड़ी। यहाँ से छतड़ू नाम की एक जगह है, 2 किलोमीटर है, वहां पे कैंपिंग वगैरह है, रुकने का इंतजाम तो है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ मैं निकल गया हूँ तो यार मैं डायरेक्ट मनाली ही रुकूं। अभी 2 लोग मिले थे यहाँ छतड़ू गाँव के, तो जो अच्छी सड़क की बात है वो तो है ग्राम्फू में, ठीक है, ग्राम्फू से अच्छी सड़क स्टार्ट हो जाएगी जो कि है 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर यार बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा 1.5 घंटा लगेगा, मैक्सिमम 2 घंटे लग जाएंगे।
ओहो पत्थर पे लग गया ब्रेक। तभी प्लान तो यही है यार, अच्छी रोड की तलाश में हम जा रहे हैं। मेरी जिंदगी की अब तक की सबसे डेंजरस राइड है ये। यहाँ पे बहुत सारे चीजें हैं जो कि एक के बाद दिमाग में आ रही है मेरे। वैसे इतना कमजोर नहीं हूं मैं, हालात कुछ भी हो राहुल पांडे ने हार नहीं मानी कभी। हर हाल में हमें जीतना है, हर परेशानी से लड़े हैं तो इससे भी लड़ेंगे चाहे जो हो जाए। अच्छी सड़क के बिना तो रुकूंगे नहीं, अच्छी सड़क खोज के रहेंगे हम। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं मोटिवेट रह सकूं, मेरे दिमाग में कोई गलत ख्याल ना आए, ठीक है? और गलत ख्याल आएगा तो वो हावी हो जाता है फिर, इसलिए ना मैं ऐसा सोचता हूं ना आने देता हूं। अपने मन को मैं ऐसे कुछ और बातों से बहला के रखता हूं कि वो मेरे दिमाग पे हावी हो जाएगा, मैं कोई और चीज नहीं कर पाऊंगा या सोच पाऊंगा, मेरे दिमाग में वही चीज चलती रहेगी। इमेजिनेशन का सहारा लेता हूं मैं कई बार, आज भी वही ले रहा हूं। अच्छी रोड आ जाएगी और हम पहुंच जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी जिंदगी में। सूरज वैसे एकदम ढलने की कगार पर है, 7:15 बजे भी यहाँ रात नहीं होती है, इतना उजाला है कि कम से कम 8 बज जाएंगे रात होने में, और रात हो जाएगी तो भी हम चलते रहेंगे आज, आज तो मनाली पहुंचना है। कोई हेल्प अगर अभी हमें चाहिए तो कुछ नहीं मिल सकता, नो नेटवर्क और कोई मतलब गांव भी ऐसे नहीं आ रहा है। बहुत देर से हम देख रहे हैं कि छतरू आएगा, छतरू आएगा, छतरू भी अभी 2 किलोमीटर और है। मैंने बहुत सारी सीरीज देखी लोगों की स्पीति आने से पहले, कौन कैसे गया है, किस रूट से गया है, कहां कब पहुंच रहा है, लेकिन लोगों ने इस बात का कभी जिक्र नहीं किया जो मैं अपनी वीडियो में कर रहा हूं। दोस्तों ये सारी मेहनत आप ही के लिए हो रही है, अगर मेरी वीडियो जरा भी अच्छी लग रही है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, सपोर्ट करना यार मेरे को। वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक करके जाना, कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट भी कर देना, और जो स्पीति वैली जाने की सोच रहा है ना या फिर फ्यूचर में जाना चाहता है ये वीडियो उसको जरूर भेजना, उसकी थोड़ी बहुत तो हेल्प जरूर हो जाएगी इस वीडियो से। खराब रास्ता यार बहुत ज्यादा है, मैं सारा चीज अगर शूट करूंगा ना मेमोरी कार्ड और बैटरी सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो मैं मेन चीजें ही आपको दिखा रहा हूँ और बहुत कम कट लगाऊंगा, मैं एकदम रॉ रखूंगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आपके जो काम आएगी या जो भी स्पीति वैली जा रहा होगा उसके काम आएगी ये वीडियो। तो फैला दो यार इस वीडियो को एकदम। एक और डरावना ब्रिज। अरे काले कुत्ते अकेले कहाँ घूम रहा तू, अकेले कहाँ घूम रहा तू, ठंड लग जाएगी पागल। तो फाइनली हम छतरू क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ नहीं रुक रहे हैं हम। ग्रामपू कहाँ से जाएंगे? अच्छा अच्छा ग्रामपू कितना किलोमीटर है? हाँ 16। वहां से रोड अच्छी हो जाएगी, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ओहो क्या पानी बह रहा भाई, पायलट आ गया ये तो लाल बत्ती लगा के। और नीचे का जो प्रेशर है ना भाई, अगर कोई गिर गया ना बाइक क्या, फोर व्हीलर भी गिर जाएगी ना, पता नहीं लगेगा कहाँ गया, क्या प्रेशर है तुम्हें पता है? देख रहे हो कितना प्रेशर है, वो देखो भाई गजब का प्रेशर है भाई। अरे इब्राहिम भाई नहीं दिख रहे, इब्राहिम भाई रुक तो नहीं गए कहीं? छतरू पहुंचने के बाद मुझे एक बार लगा कि यार मैं इतना थक चुका हूं, मैं यहीं रुक जाता हूं, चाय वाय पीता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। लेकिन मुझे ना अच्छी रोड ढूंढने के लिए इतना ज़्यादा उतावलापन हो रहा था ना कि मैं बस अच्छी रोड पकड़ के मनाली पहुंच जाना चाहता था। मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था इस वाले रास्ते से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी थोड़ी देर बाद रात हो जाएगी और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खतरनाक रातों में से एक होने वाली है। जब आप बातल से छतरू आओगे ना तो कम से कम 8 से 10 वाटर क्रॉसिंग बड़ी बड़ी मिलेंगी आपको, जिनमें थोड़ा प्रेशर होगा और पानी भी ज्यादा होगा। ऐसे जो मैंने अभी दिखाया था ना छोटे छोटे, ये आपको ना करीब 100-150 मिलेंगे ऐसे छोटे 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 बह रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ ताकि यार आप अगर स्पीति का प्लान बनाओ ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो से भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना मुझे डीएम करो डायरेक्ट, जो भी क्वेश्चन है वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या और जल्दी आपको जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। ये मेरा हैंडल है राहुल पांडे व्लॉग्स, यहाँ पे जाके मुझे डीएम कर सकते हो।
तो मैं आपको जल्दी से जवाब दे दूंगा आपके जो भी क्वेश्चन होंगे स्पीति से रिलेटेड। लेकिन अभी हमारी लाइटें भी जल चुकी हैं और हम बस चढ़ाई किए जा रहे हैं, चढ़ाई किए जा रहे हैं। ग्रामफू यहाँ से अभी है 14 किलोमीटर। अब का माहौल पूरी तरह शांत हो चुका था और सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका था। पहाड़ों के पीछे से सूरज की थोड़ी थोड़ी रोशनी हमारे ऊपर पड़ रही थी। बस यहाँ पे रिवर क्रॉसिंग की आवाज गूंज रही थी और हर 15 से 20 मिनट पे कोई कार या कोई ट्रैवलर गुजर रहा था और दूर दूर तक कोई भी बाइक वाला हमें बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। ना कोई इंसान नजर आ रहा था और ना ही कोई गांव नजर आ रहा था। इसी तरह हम अपने डर को अपने अंदर लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। अब टाइम हो गया 7:45 और अभी भी अच्छी रोड नहीं आई है, ग्रामफू नहीं पहुंचे हम लोग। हम लोग अभी भी इस खराब रोड को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये मेरे सामने देखो क्या है भाई, बर्फ की इतनी बड़ी लेयर, ओ भाई। और ये वाला जो वाटर क्रॉसिंग है ना भाई, इसके ऊपर भी पुल है नहीं तो अभी आफत आ जाती भाई। देख रहे हो क्या क्या मिल रहा है हमें। अब रोड आने वाला है ना ग्रामफू का, ज्यादा से ज्यादा कितना 3-4 किलोमीटर और रह गया। और अभी हमें हमें बड़ी बड़ी यार एकदम लेयर मिल रही है बर्फ की। बस रोड पे ब्लैक आइस ना हो, नहीं तो हमारे लग जाएंगे बस, और कुछ नहीं होगा। और ये रोड खत्म नहीं हो रहा है ना, मैं सोच रहा हूँ यार क्या क्या बातें करके अपना मन थोड़ा बहलाते रहूं, क्योंकि ये रोड खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा लग रहा है जिंदगी का सबसे लंबा रोड है, कब खत्म होगा भाई, कब खत्म होगा। लेकिन मैं भी छोड़ेगा नहीं, अच्छी सड़क तक तो पहुंच के छोड़ेगा मैं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेंगे। अच्छी सड़क जब तक नहीं आएगी ना छोड़ूंगा नहीं, पहुंचेंगे आज अच्छी सड़क पे हम। इब्राहिम संभल के आना, बहुत स्लिप करेगा। ओ भाई मैं डर गया, पता कैसे। एक तो ये रोड देख लो, ये है रोड रोड के नाम पे पता ही नहीं क्या है भाई। और वो देखो, मेरे को लगा शेर जा रहा है इब्राहिम, मेरे को लगा शेर जा रहा है ये अबे हट जा, सही में मेरे को एक बार के लिए लगा भाई शेर आ गया हट जा रे भाई एक पल के लिए मैं डर गया था भाई, रात को शेर आ गया। ओहो हो, हवा बहुत तेज चल रही है यार, मुंह पे लग रही है। अब वाइजर मैंने बंद कर दिया, अब थोड़ा सही लग रहा है। ठंड तो है यार इधर, लेकिन अभी रुकूं और बैग खोलूं, थर्मल पहनूं तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा इसमें। बेहतर यही है ठंड को सहो और धीरे धीरे चलते रहो, थर्मल पहनने से नहीं मिलेगी मंजिल। ठंड तो लग रही है लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतने तो सह लेंगे हम। दो घंटे हो गए हमें छतरी से चले और 2 घंटे से कोई गांव नहीं आया, ना कोई एक बल्ब दिखाया हमें, कुछ नहीं दिखा। पता नहीं हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कहां जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लग रहा रास्ता तो नहीं भटक गया, 2 रास्ते पीछे आ रहे थे, एक नीचे जा रहा था, हमें तो सीधा अब सीधा ही जा रहे हैं हम तो। पता नहीं भाई कहाँ जाके निकलेगा। आई होप हम सही जा रहे हो यार बस। और कोई माइलस्टोन का बोर्ड भी नहीं दिख रहा है कि यार ये इतने किलोमीटर या फलाना ठिकाना। अरे बोर्ड तो लगा देते, रोड नहीं बना रहे हो तो। कह रहा हूँ भाई हम गलत तो नहीं जा रहे ना, हाँ पक्का चलता रहो, चलो कहीं तो कोई तो गांव मिलेगा, आ जाओ आ जाओ भाई। फिर से क्रॉसिंग आ गई, ओहो हो हो भाई कोई गांव नहीं आ रहा है, क्या करें यार समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा ही एडवेंचर हो रहा है लग रहा है। इतनी देर ये रास्ता आखिर साला जाता कहाँ है, टायर के निशान तो इस पे पड़े हुए हैं। इस रास्ते पे टायर के निशान हैं, यानी कि कोई आदमी आया होगा या तो फिर गया होगा, तो यानी कोई गांव होगा तभी गया होगा, या कोई गांव होगा तभी वहां से आया होगा, या फिर उसके आगे कोई रास्ता होगा। लो फिर से आ गई, तो ऐसे सुराग तो मिल रहे हैं यार, इस पे गाड़ियां तो गई हैं, टायर के निशान तो हैं, टायर के निशान ढूंढ ढूंढ के चल रहे हैं हम, ये देख लो मतलब ऐसी हालत हो गई है भाई। अब ऊपर कहाँ हम जा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा हमारा, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। माता रानी कुछ तो बताओ, हम सही जा रहे हैं ना। देख रहे हो पहाड़ों में पूरा एकदम अंधेरा हो गया है, कोई नहीं है भाई इधर, अभी कुछ हो जाएगा साला, कुछ पता नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। जय माता दी, सब कुछ अच्छा हो।
कोई बंदा भी नहीं मिल रहा जिससे हम पूछ ले यार हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं क्या पता। अरे भगवान जी कोई बंदा तो भेज दो, आप ही आ जाओ कोई बंदा बन के यार। रिवर क्रॉसिंग आए जा रही है, मोड़ आए जा रहे हैं, रोड आने का नाम नहीं ले रही है, मतलब क्या ही हो रहा है हमारे साथ। ओ भाई मुझे फिर से लगा साला शेर खड़ा है, ये तो घोड़ी खड़ी है, घोड़ी क्या खच्चर हो गए। तो अभी की कहानी यह है कि 8:30 बज गए हैं रात के और अभी भी अच्छी सड़क नहीं मिली है। तकरीबन 4 घंटे होने को आए हैं, अच्छी सड़क हमें अभी तक नहीं मिली है। अभी थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है कि हम अभी 2 रास्ते आए थे, अब पता नहीं हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अभी हम लोग खड़े होकर थोड़ा डिस्कस कर रहे थे और मोबाइल में नेटवर्क भी चेक कर रहे थे, मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। एक पॉइंट आ रहा था फिर वो चला ही गया। अभी पीछे से ना कुछ गाड़ियां आ रही हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार अगर गाड़ियां आ रही हैं तो रास्ता होगा आगे, और तो हमें ऐसा थोड़ा हिम्मत मिली कि यार शायद हम सही जा रहे हैं, और क्योंकि गाड़ियां भी आ रही हैं उन्हें भी जाना ही होगा ना। और काफी देर से हम कोई बल्ब या ट्यूबलाइट ढूंढ रहे थे कहीं जलती हुई दिख जाए हमें, ताकि यार थोड़ी हमें हिम्मत मिले और कि हम सही जा रहे हैं और आसपास कोई है हमारे। काफी 2 घंटे से तकरीबन हमें ऐसा लग रहा था हमारे आसपास कोई नहीं है, सिर्फ मैं और इब्राहिम ही पूरे पहाड़ में, पूरी वैली में हम ही दो हैं। अभी वहां पे लाइट जल रही है और वो ऊपर भी जली थी अभी बंद हो गई, और नीचे भी एक लाइट अभी दिखी है, और शायद मेरे को ऐसा लगता है ग्रामफू विलेज आसपास ही है। रात में नो डाउट यार ट्रेवल नहीं करना चाहिए, फिर भी आज ज्यादा ही एडवेंचर हो गया ऐसा लग रहा है। इब्राहिम भाई गाड़ी बियॉन्ड दिस पॉइंट नो नेटवर्क, काइंडली मेक कॉल टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। ग्रामपू पहुंच गए और छतरू उधर जाना है, बातल काजा सुमदो। अबे साले मनाली किधर जाना है साला, ये नहीं लिखा है। रोड मिल गई चूम लो। रुको। लग रहा अरे ये तो वही लौंडे लग रहे। अरे भाई लोग नहीं मिल रहे थे यार, 2 घंटे से न बंदा न बंदे की जात। भाई स्टैंड लगाओ, हाँ रोड को चुम्मा लेना पड़ेगा। भाई इतनी देर से भाई रोड के नजारे देखने को नहीं मिल रहे। गले मिलो भाई। अरे मेरे भाई किसी को मैं देखा नहीं यार, मैं सोच रहा था भाई क्या ही होगा, मैं नहीं जाऊंगा अब कहीं, मैं रोड पे रहूंगा। भाई हमें कुछ नहीं पता। और पता क्या हुआ, वाटर क्रॉसिंग आए जा रही है और अंधेरा हो रहा है भाई। वहां वेट कर रहे थे, वाटर क्रॉसिंग आ नहीं रही थी, अभी तो इतनी सारी वाटर क्रॉसिंग। भाई सिग्नल आए जियो किसी की तरह देखना। अरे भाई मिल गए सिग्नल ही नीचे है। क्या उतांग पास जा रहे थे? हाँ अब लगभग 2 किलोमीटर उतांग पास रहा होगा। हाँ? दो नहीं, एक ही बचा होगा। हाँ एक ही बचा होगा। बादल सारे फॉग खाली, ये जो इतना है ना ये दिख रहा है ना। अच्छा थोड़ा 1 किलोमीटर तक गए और आगे की ये लाइन थी वो भी साफ हो गई, घूम गया कुछ नहीं दिख रहा, लिटरली कुछ ब्लैंक चल रहा है, मतलब ब्लैंक चल रहा है, कहीं नहीं जाना मेरे को, घर चल। अब भाई मेरे को भी ऐसे लग रहा था हमने गलती कर दी, छतरू में रुक जाना चाहिए था। मेरे को होगा यार पहुंच जाएंगे। हाँ भाई यही है। उनकी मां से आवाज आ रही थी। इनकी भी आवाज आई। दिल्ली नंबर है बस यही है भाई। खुशी जो भी जा रहे हैं मतलब खुशी अलग है भाई। यार एक्सट्रीम लेवल पे था ये, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। सच पास भी इतना नहीं है, पता है सच पास एक टाइम में सबसे डेडलीस्ट माना जाता था, घंटा इसके सामने कुछ नहीं लगा मुझे। डेडलीस्ट बहुत लंबा रूट है और बहुत टायर्डिंग है यार। सच में भाई कंधे हिल गए। काजा के यहाँ पे नीचे जो पानी नहीं है पूरा, वहाँ पे बाइक डालेगी, यहाँ वाटर क्रॉसिंग कर लेते, कहीं तो नहीं मिल रही, यही कर लेते, हर घर डाल के वाटर क्रॉसिंग कर लेते। फाइनली इतनी ज्यादा खुशी हो रही है ना अभी रोड को देख के, कसम से यार ये सबसे डेडलीस्ट राइड थी हमारी, और फाइनली हमें वो लोग मिल गए जो हमें चंद्रताल पे मिले थे, तो काफी ज्यादा अब सही लग रहा है। पहले मैं और इब्राहिम ही थे, 2 लोग और आ गए, अब देखो माइलस्टोन भी आ गया, कोक्सर 5 किलोमीटर। मनाली की सीरीज में मैंने आपको कोक्सर दिखाया था ना, तो वो वाला कोक्सर 5 किलोमीटर है यहाँ से, अब थोड़ा जान में जाना ही है यार। अब बहुत सही लग रहा है यार, थैंक यू गॉड, हर चीज के लिए शुक्रिया आपका। 5 घंटे लग गए
इस खराब रोड को पार करने में। कम से कम 100-125 किलोमीटर का था ये पैच, कुंजुम पास से कोकसर से 5 किलोमीटर पहले, समझ रहे हो। अब इतनी तेज हवा चल रही ना, ठंड तो बेहिसाब लग रही है। और अभी ना 3-4 कार वाले भी मिले थे, वो 3-4 कार वाले भी मतलब मनाली का ही एड्रेस पूछ रहे थे, तुमने बता दिया, और वो भी ज्यादा खुश थे हमें देख के, क्योंकि काफी देर से उन लोगों ने भी किसी इंसान को और लाइट को देखा नहीं था। तो मतलब ये सबसे डेडलीस्ट राइड थी यार, जो भी इस रूट से आ रहा था ना बहुत ज्यादा नर्वस था, जो भी उस रूट से आ रहा था ना वो बस एक उम्मीद की किरण ही ढूंढ रहा था कि यार कोई तो मिले जो बता दे हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। और अब तक की जो मतलब डेडलीस्ट रोड माने जाते हैं ना इंडिया में, सच पास, किलाड़ किश्तवाड़, ये सारे मतलब इनका रिकॉर्ड भी आज टूट गया था। ये जो मेरे सामने है ना इब्राहिम सच पास गया हुआ है, काफी घूम चुका है हिमाचल में, लगभग 99% जगह घूम चुका है। तो वो हमें बता रहा था कि यार सच पास भी इतना डेडली है ना कि पूछो मत, अच्छे अच्छे को फट जाती है वहां जाने में। लेकिन सच पास से भी ज्यादा हैवी आज हमें लग रहा था कि यार ये मतलब इतनी डेडली राइड है ना कि पता ही नहीं लग रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, और कोई नामो निशान नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई लाइट नहीं एक, और इतनी ज्यादा रिवर क्रॉसिंग रास्ते में, समझ रहे हो। मतलब यार क्या ही बताएं, बस जैसे तैसे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। तो अभी की कहानी हमारी ये है कि मैं जा रहा हूं अभी मनाली, वो लोग वहीं पे रुक गए हैं यार, वो लोग सिसु जाएंगे, लेकिन मेरे को सिसु नहीं जाना था, लेकिन मैं अब यहाँ से अकेले जा रहा हूँ मनाली अटल टनल से, देखते हैं कितनी जल्दी हम पहुंच सकते हैं। अभी ना मेरा गोप्रो एकाएक बंद हो गया था, मुझे लगा यार बैटरी खत्म हो गई, तो मैंने बैटरी चेंज कर ली है। चेंज करके जब मैं ऑन करके चलने लगा ना, तो यार इसमें दिखा रहा है कि यार मेमोरी कार्ड फुल हो गया है। मेरा मेमोरी कार्ड मेरे बैग में है, लेकिन अभी चेंज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें मैं शूट नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ से टनल से बस जाऊंगा और नीचे अंधेरे हैं, पहाड़ों में मैं उतर जाऊंगा, ठीक है, वहां कोई दिखाने वाला ऐसा सीन नहीं है, तो मैं फिलहाल मेमोरी कार्ड चेंज करने में समय वेस्ट नहीं करना चाहता। और अभी 2 महीने पहले ही मैं मनाली आया था, लेकिन मैं दिन में आया था इस वाले रोड पे, तो मेरे को यार रात में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है ये वही रोड है कि कहाँ है। मैंने सीधे अपने हॉस्टल का मैप लगाया हुआ है और ये मेरे को लेके जा रहा है, लेकिन ऐसे रात में अगर मैं अंदाजा लगाऊं और देखूं तो मेरे को कोई चीज नहीं याद आ रही है 2 महीने पहले की कि मैं इसी रोड से ही गया था। पहाड़ों में मेरे ख्याल से ऐसा ही होता है, या फिर मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को कुछ भी नहीं पता। और आसपास कोई गाड़ी भी नहीं आ जा रही है, काफी देर में एक गाड़ी या दो गाड़ी ऐसे गुजर रही है। पूरी रोड पे पूरी वैली में सिर्फ मैं ही चल रहा हूं। अब जैसे देखो एक गाड़ी वहां से आ रही है, लाइट पड़ रही है ना, तो मेरे को यार थोड़ा सा डर भी लग रहा है। 15 किलोमीटर का सफर है, पूरा पहाड़ों में मैं ही, सिर्फ मैं ही मैं रहूंगा। डर ये है कि यार बाइक वाइक खराब ना हो जाए, कि कहीं दिन में खराब हो जाती है या फिर कहीं सिटी उटी में खराब हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं अकेला हो गया हूँ और मेरे को अब सिर्फ हॉस्टल दिख रहा है कि मैं फटाफट किसी तरह हॉस्टल पहुंच जाऊँ, क्योंकि रात में ऐसे ड्राइव करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैंने घर पे बोला था यार मैं रात में ड्राइव नहीं करूंगा, लेकिन आज मेरी मजबूरी है यार, मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा और मुझे आज मनाली पहुंचना है। तकरीबन अगर मैं मनाली पहुंच गया तो मेरा स्पीति ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। मैंने 25 तारीख को चालू किया था, आज 29 तारीख है, 4 दिन में मैंने 1500 किलोमीटर की जर्नी माउंटेन्स में, वो भी उबड़ खाबड़ रास्तों में, समझ रहे हो, राहुल पांडे ने कर दिया है, ये तो रिकॉर्ड ही बन गया ऐसा लग रहा है, 4 दिन में स्पीति खत्म। मेरे को तो ऐसे लग रहा है बाकी औरों ने भी किया होगा यार, पता नहीं। मैंने तो 25 से चालू किया था और पूरा मतलब 29, आज 29 की रात है और मेरा स्पीति वैली खत्म ही हो गया है। मैं अब मनाली जा रहा हूँ बस, अब मेरे को बस यही हो रहा है कि मैं फटाफट हॉस्टल पहुंच जाऊं यार किसी तरह, और कोई और कुछ नहीं, अभी कोई फरमाइश नहीं है। और मैंने सुबह से खाना नहीं खाया है, हमने क्योटो में वही पराठा खाया था और उसके बाद कुछ भी नहीं खाया मैंने, और इब्राहिम ने भी कुछ भी नहीं खाया था। वो लोग तो चलो अभी खाना खा रहे हैं, वो 3-4 लोग हैं, लेकिन मेरे को मनाली जाना है और पता नहीं वहां रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं नहीं जानता। बस मेरे को अभी हॉस्टल दिख रहा है और कुछ नहीं, भूख भी नहीं लग रही है सच में। कोई बात नहीं, अब थोड़ी थोड़ी गाड़ियां दिख रही तो मेरे को थोड़ा तसल्ली है कि चलो यार थोड़ी थोड़ी गाड़ियां दिख रही हैं। ऊपर से जब मैं उतर रहा था ना, तो यार मतलब एकदम ही सन्नाटा, कोई नहीं। सोच रहा था यार पूरे टनल में सिर्फ मैं ही जा रहा हूं क्या, और आज मैंने बहुत ज्यादा बाइक चलाई है, बहुत ज्यादा। काजा से निकला हूं आज मैं, कुंजुम पास, चंद्रताल लेक, क्योटो, लोसर, की मोनेस्टी, किब्बर, और उसके बाद बातल, छतड़ू,
अभी मनाली यहाँ से 9 किलोमीटर बचा हुआ है और यहाँ पे हल्की हल्की यार बारिश हो रही है, लेकिन मैंने यार भगवान जी से बोला यार थोड़ा सा रोक लो ना, मेरे को हॉस्टल पहुँचने दो ना, अभी मत कराओ ना प्लीज, मान जाओ ना प्लीज भगवान जी, मान जाओ ना, जरूरी है क्या अभी मेरा स्वागत ऐसे मत करो, प्लीज भगवान जी मान जाओ, मेरे को हॉस्टल पहुँच जान दो फिर बरस लेना। आजकल मेरी दुआ बहुत काम आ रही है। अभी मैंने भगवान जी से कहा था यार बरसात बंद करा दो प्लीज, मेरे हॉस्टल पहुंचने तक प्लीज बंद करा दो, थैंक यू गॉड आपने मेरी सुन ली। देखो यहाँ बारिश नहीं हो रही है। हम पहुंच चुके हैं जी मनाली मॉल रोड, मनाली मॉल रोड में हम अब ढूंढेंगे अपना हॉस्टल। किधर है जी मैडपैकर, मैडपैकर किधर है जी, 8 मिनट बता रहा है अभी, 2 किलोमीटर। मुंबई वाला ऑटो यहाँ क्यों चल रहे हैं जी,